हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू। इस सेशन में हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑन एक्सॉन। हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑन एक्सॉन। और नर इम्पल्स ट्रांसमिशन की जब बात करेंगे, एक्सॉन पर किस तरह के एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इसकी बात हम करते हैं। कौन सी वो सिचुएशन है जहां एक्सॉन, टिपिकल जो एक्सॉन है, उन एक्सॉन्स पर आपको नर इम्पल्स का कंडक्शन फास्टर या स्लोवर देखने को मिल सकता है, वो कंडीशन आपको यहां से थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, और ओम्स लॉ क्या कहता है हमेशा कि नर्व इंपल्स में रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा कब होगा, जब कंडक्शन, या फिर उल्टा बोल रहा हूं मैं कि कंडक्शन स्पीड हमेशा कम कब हो सकती है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो। सिंपल सा नियम है ना, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमेशा आपको कंडक्शन स्पीड आपको कैसी देखने को मिलेगी, कम ही देखने को मिलेगी। ये वाइस वर्सा इफेक्ट है, रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन में नर्व की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, या चल उसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लेंथ उतनी ज्यादा होगी, या लेंथ जितनी ज्यादा है नर्व की आपको रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा देखने को। तो कंडक्शन स्पीड लोअर कब होगी, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, या रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ ज्यादा होगी तो भी रेजिस्टेंस आपको हाई देखने को मिलेगा। और ऐसी ही बात एक और मानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा एंटी प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन के, कि आपका जो नर्व है उस नर्व का क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो लो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इस केस में दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं कहूं किसी नर्व की लेंथ ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी तो मैं रेजिस्टेंस को भी ज्यादा बनाऊंगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्शन स्पीड कम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्शन स्पीड कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एक बात तो ये गौर कीजिएगा। एक और बात, अगर मैं कहूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन है, रेजिस्टेंस आपको कम देखने को मिलेगा, और रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्शन स्पीड ही देखने को मिलेगी। तो कंडक्शन स्पीड आपके पास कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। दो बातों को ध्यान रखिएगा, लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्शन स्पीड कम होगा। ऐसे ही अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस एरिया कम होगा, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, और रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब कंडक्शन स्पीड भी आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं आपके सामने दो न्यूरॉन रखूं, है ना, अगर मैं न्यूरॉन लेवल पर इसकी बातें करूं, दो न्यूरॉन है मेरे पास, न्यूरॉन ए एंड न्यूरॉन बी। एक न्यूरॉन ऐसा है और एक न्यूरॉन आपके पास कुछ ऐसा। आपको सिंपली बताना है कि कौन से न्यूरॉन में
नर्व इम्पल्स का जनरेशन कंडीशन फास्टर होगा, है ना। कंडीशन देखिएगा, सेक्शन नंबर ए में आप देखिएगा जनरली इसकी लेंथ आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, न्यूरॉन की लेंथ कंपेयर करो आप ए और बी से, थोड़ी सी लेंथ आपको ज्यादा, चलो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बी की लेंथ को थोड़ा और छोटा कर देता हूं, तो लेंथ न्यूरॉन ए की ज्यादा है, लेंथ न्यूरॉन बी की कम कर देता हूं मैं, लेंथ इसकी आप कम की दीजिए। लेकिन क्रॉस सेक्शन वाइज देखिएगा न्यूरॉन ए का क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, क्रॉस सेक्शन बीच में से अगर काट हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन न्यूरॉन बी में क्रॉस सेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्रॉस मोटा है, मोटा है तो बीच में से काटूंगा तो इसका डेफिनेटली एरिया भी कैसा होने वाला है, ज्यादा होने। अब जहां नर्व इंपल्स में लेंथ ज्यादा होगी क्रॉस सेक्शन कम होगा, उस केस में हमेशा कंडक्शन स्पीड कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कंडक्शन स्पीड कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और यही कंडक्शन स्पीड जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो लेंथ कम हो तो आपको हाई देखने को मिल जाएगा, मतलब दो सिचुएशन के बेसिस पर आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कौन से तरीके के न्यूरॉन में नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन फास्टर होगा, ऐसा न्यूरॉन जिसकी लेंथ कम होगी और जहां आपको क्रॉस सेक्शन ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज और देखिएगा, न्यूरॉन में हम देखते हैं जनरली कई सारे न्यूरॉन आप देखोगे, अगर ये मैं टिपिकल न्यूरॉन बनाऊं एक्सॉन एक्सॉन हिलॉक और फिर आपके पास ये सिनेप्सिस रीजन है, तो इस एक्सॉन पर आप देखिएगा तो आपको माइलिनेशन देखने को मिलता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्मॉल सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बनाती है, माइलिनेशन करती है, इसका फॉर्मेशन करती है माइलिनेशन का, इसको मैं कह रहा हूं माइलिन शीथ, ये क्या है माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं होकर बीच बीच में आपको नॉड ऑफ रेनवियर देखने को मिल सकते हैं, नॉड ऑफ रेनवियर देखने को मिल सकते हैं। अब जहां माइलिन शीथ होते हैं वहां आप देखोगे तो इंसुलेटिंग कवरिंग आपको देखने को मिल जाती है, इंसुलेटिंग कवरिंग देखने को मिल जाती है, इंसुलेटिंग कवरिंग होगी तो एनर्जी का हास आपको कम से कम देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटिंग कवरिंग किसको बनी होती है, स्फिंगोमाइलिन की, है ना, की बनी होती है स्फिंगोमाइलिन बनी होती है और ये आयन लोस से बचाती है टू प्रिवेंट एंड लोस कर, इसका मतलब ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीथ अवेलेबल है आयन का लॉस नहीं होगा, और आयन अगर लॉस नहीं होगे तो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन फास्टर होगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब मैं कह दूं कि माइलिनेशन अगर आपको किसी न्यूरॉन पर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यहां कंडक्शन स्पीड कैसी होने वाली है, फास्टर होने वाली है। इस कंडीशन को भी हम उन तीनों कंडीशन में देख सकते हैं, और नोड ऑफ रेनवियर की वजह से आप देखोगे तो आपको यहाँ साल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल भी देखने को मिल सकता है, जंपिंग, है ना, कूदता हुआ, क्योंकि तो जनरली ज्यादा फास्टर होता है साल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है जो जनरली एक्शन पोटेंशियल की थोड़ी सी फास्टर है, वीडियो है। तो मैं अगर आपसे ओवरऑल कहूं
कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इस नर्व इंपल्स की स्पीड ज्यादा कब होनी चाहिए? जब आपके पास कोई न्यूरॉन है उसकी ओवरऑल लेंथ कैसे होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उस न्यूरॉन की क्रॉस सेक्शन मोटाई ज्यादा होना चाहिए। उस न्यूरॉन पर स्पिंगोमायलिन का माइलिनेशन बेशक होना चाहिए। लेकर बोथ एक बात और, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सिचुएशन में डिफ्यूजन कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो भी काम करता है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो उस सिचुएशन में भी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हमेशा हाई होगी। इस चीज को, बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्पीड ज्यादा कब होगी? जब आपके पास जो नर्व है उस नर्व की लेंथ कम हो। लेंथ कैसी हो? कम हो। दूसरी बात, उस पर्टिकुलर न्यूरॉन का क्रॉस सेक्शन आपको कैसा देखने को मिल जाना चाहिए? क्रॉस एक्शन एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। आपको उस पर्टिकुलर न्यूरॉन पर माइलिनेशन देखने को मिलना चाहिए। माइलिनेशन होगा तो कंडक्शन स्पीड ज्यादा होगी। और एक चौथी बात और जोड़ सकते हो आप, टेम्परेचर। टेम्परेचर है तो उसकी वजह से डिफ्यूजन बढ़ेगा, और डिफ्यूजन बढ़ेगा तो आयन कंडक्शन आपको जनरली फास्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन बातों का आप, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कितनी बातों पर डिपेंड करता है? फिर से देखते हैं, नर्व इंपल्स की बातें कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस को इसके साथ रेगुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा? जब कंडक्शन, अगर मान ली किसी नर्व इंपल्स में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमेशा कंडक्शन स्पीड कम ही होनी है। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही होना है। अगर क्रॉस सेक्शन कम है तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा होना है। तो ओम्स लॉ हम कहते हैं ना, ओम्स लॉ से हम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ओम का नियम हम इसको। और इसमें हमने बात करी कि लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्शन स्पीड कम होगी। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, बढ़ जाएगी। और जो दो न्यूरॉन मैंने बनाए, एक मैंने आपको ज्यादा लेंथ वाला, क्रॉस सेक्शन कम वाला बनाया, वहां कंडक्शन स्पीड हमेशा कम होनी चाहिए। और एक ऐसा न्यूरॉन इसका लेंथ मैंने छोटा कर दिया है लेकिन क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया है। लेंथ छोटा है, क्रॉस सेक्शन बड़ा है, ठीक है। और एक सिचुएशन और जहां माइलिनेशन, अगर आपको एक्सोन हिलॉक पर देखने को मिल रहा है स्पिंगोमाइलिन का, जो आयन लॉस को प्रिवेंट करती है, तब भी हम देखेंगे तो हमारा कंडक्शन स्पीड कंपैरेटिवली, ऐसा न्यूरॉन जहां माइलिनेशन नहीं होते हैं उनसे आपको ज्यादा ही देखेंगे, ठीक है। एक और फायदा होगा माइलिनेशन का कि जहां नोड ऑफ रेनिगर है उनकी वजह से सैटेलाइट एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, तो जंपिंग एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा जो एक साधारण पोटेंशियल से फास्टर माना। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि नर्व इंपल्स का कंडक्शन स्पीड ज्यादा कब होनी चाहिए? जब आपके पास जो नर्व है की लेंथ कम हो, लेंथ कंपेरेटिवली कम होना चाहिए। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मोटाई उसकी ज्यादा होनी चाहिए, लंबाई उसकी कम होनी चाहिए। स्पिंगोमाइलिन का कवरिंग मतलब माइलिनेशन आपके पास वहां होना चाहिए। और टेम्परेचर कंपेरेटिवली, अगर हाई टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर वाली कंडीशन है तो हाइयर टेम्परेचर कंडीशन में आप बेटर डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, आयन का क्रॉस ज्यादा देखने को मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि स्पीड कंपेरेटिवली तो मिलेगी। तो लेंथ इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया इंपॉर्टेंट है आपके पास, माइलिनेशन इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर है,